मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दो। हमको सत्य असल बताना है और कारण बताना है कि सत्य है कि असत्य है। आप पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, आपको हमने जब पहला चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट वीडियो में आपको हमने सारे रियल नंबर के बारे में आपको बताया था। प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्रमेय, अप्रमेय, भाज, आभास, सम, विषम, जितनी भी संख्याएं आपकी होती हैं लगभग, तो आपको हमने वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इनफाइनाइट होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होती है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा पूर्ण में आता है कि नहीं, आता है ना। तो क्या बोलेंगे, ये सत्य है। ये बात क्या कह रहा है, ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है। यहां लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होता है। ये बात कह रहा है, ये बात सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। अगर आपको पूर्णांक और पूर्ण की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सारी धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 0 भी होता हमारा उसके साथ, और माइनस भी हमारा होता है, -1, -2, -3, -4, ये सारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक कहलाती है। और पूर्ण क्या होती है, केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है कि नहीं, डेट इज इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक क्या होती है, ऋणात्मक में होती है, और पूर्ण क्या होती है, ओनली पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। यहाँ क्या बोलेंगे, ये बात क्या बोल रहा है, ये असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक होता है। बल्कि पूर्ण केवल धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक होती है। ये बच्चों समझाया कि नहीं, देखिए ये बात क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या हुआ, असत्य हुआ, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और बल्कि पूर्ण क्या होता है, केवल धनात्मक होता है। अब आता हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रमेय संख्या क्या होती है, जो p बाई q के फॉर्म में हो, रूप में हो, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि भिन्न होने संख्या, 2/3, 5/7, 3/2, इस समान संख्या क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या कहलाती है। मगर पूर्ण क्या होती है, केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है कि नहीं, तो प्रत्येक प्रमेय पूर्ण हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो क्या करेंगे आप पास, ये भी क्या बताना हुआ, ये असत्य हुआ, क्योंकि क्योंकि परमेय संख्या भिन्नात्मक संख्या होती है, भिन्नात्मक संख्या होती
है, जैसे 5/3 आदि। तो देखिए आपको ये तीनों क्वेश्चन हो गया है। एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्येक प्रकृति एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य बात बोल रहा है, क्योंकि प्रकृति क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक प्रकृति पूर्ण में होती है, क्लियर है बात। नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होता है। पूर्णांक तो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, और पूर्ण क्या होता है, धनात्मक होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में हो सकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात हमारा क्या हुआ, ये असत्य हो गया। लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा क्या होती है, भिन्नात्मक संख्या होती है। मतलब पूर्ण क्या होती है, भिन्नात्मक नहीं होती, केवल पॉजिटिव होती है, और 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा ऐसे नंबर होता है, होता है कि नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। बच्चों देखिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, तो इसकी नोट्स 1 by 1 क्वेश्चन बनाते रहिए आप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है। 1 साल के बाद आपको पूरा एग्जाम, पूरी बुक का एग्जाम आपको 1 साल बाद देना पड़ता है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन आगे और आने वाला रहता है, इसको पढ़ते रहेंगे आप, लिखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नोट्स रहेगी तभी रिवीजन कर पाएंगे, नोट्स नहीं रहेंगे तो आप रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों आप नोट्स कॉपी जरूर बनाइए। थैंक यू।